हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 को कैसे इंस्टॉल करें और उसे कैसे यूज़ करें। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाए। तो दोस्तों, बिना देरी करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमें इस मैप में अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए इसका सेटअप की ज़रूरत होती है, जो कि मेरे पास है, तो मैं आपको सेटअप ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2007 का सेटअप यहाँ पर अवेलेबल है, इसको सिंपली मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद इसका जो सेटअप है इसको हमें डबल क्लिक करके ओपन करना है, लेकिन इससे पहले हमें इसकी जो की है उसको कॉपी कर लेना है। तो की हम पहले यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। की कॉपी करने के बाद सिंपली हमें इसके सेटअप पे जाके एंटर मार देना है या डबल क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली यस करके ये आगे के लिए प्रोसेस लेना चालू कर देगा, और जैसे ही ये इंटरफेस हमारे सामने आता है तो जो की हमने यहाँ पे कॉपी की थी वो हमें यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद यहाँ राइट का सिम्बॉल आ जाएगा, उसके बाद हमें सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। दोस्तों, अगर आप इसका पूरा पैक चाहते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड होते हैं सभी आपको चाहिए, तो आप सिंपली इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो जो सॉफ्टवेयर आपके काम के हैं आप उनको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, बाकी के छोड़ सकते हैं, जिससे कि आपके सिस्टम पे भी अनवांटेड लोड नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि मुझे सिर्फ 3 या 4 इनमें सॉफ्टवेयर हैं उनकी नीड होती है, जैसे कि वर्ड हुआ, एक्सेल और पावर पॉइंट, बस इन 3-4 सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से मैं कस्टमाइज करके यहाँ से जो भी मुझे नहीं चाहिए उनको मैं नॉट अवेलेबल पर क्लिक करके हटा दूँगा। जैसे कि मुझे एक्सेस की कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ पे नॉट अवेलेबल करूँगा इसको, और एक्सेल हमें यूज़ में आता है। उसके बाद ये वाला सॉफ्टवेयर भी हमें नहीं चाहिए, और इन पास की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी हटा देते हैं यहाँ से। नोट पैड तो हमें चाहिए रहता है, और आउटलुक की भी ज़रूरत नहीं है हमें। उसके बाद पावर पॉइंट, पब्लिशर, व्यूअर और वर्ड और ये फीचर्स टूल्स, ये सारी हमारे काम के हैं, तो इनको हम इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों, जो जो आपको चाहिए उनको रखना, बाकी सबको क्रॉस मार के यहाँ से हटा देना। उसके बाद सिंपली आप इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये सेटअप हमारा आगे इंस्टॉल होने के लिए चला जाएगा। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो हम थोड़ा वेट करते हैं, और जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। और इंस्टॉल होने के बाद हम फर्स्ट एक एक से सारे सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। इनको ओपन करने के बाद इनमें फर्स्ट टाइम क्या प्रॉब्लम आती है और आती भी है नहीं आती है, वो सब हम आपको इसमें वीडियो में आगे बताएंगे। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए जब तक ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो रही है। तो दोस्तों, ये हमारा यहाँ सिंपली इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद हमें यहाँ से इसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद हमें सिंपली बारी बारी से इनको सॉफ्टवेयर को ओपन करके देखना है। तो जैसे कि स्टार्ट बटन पर जाकर मैं यहाँ पर अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसको ओपन करूँगा। सिंपली हम यहाँ टाइप करेंगे वर्ड तो यह ऊपर ही आ जाएगा, हमें सिंपली इंटर मार देना है। इंटर मारने के बाद हमें ये सिंपली यहाँ ओपन करना है, तो ये फर्स्ट टाइम ओपन होगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, सिंपली ओपन हो जाता है। और ये इसका वेलकम पेज है जो फर्स्ट पेज निकल के आता है, बाकी इसके जो बेसिक यूज़ हैं वो आपको आते ही होंगे। अगर आपको इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इन पर सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। बाकी ये हमारा लेटर साइज पेपर है, अभी A4 नहीं है, A4 पेपर हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं पेज लेआउट में जाके, साइज़ पे जाके। अभी आप करंट पेपर देख रहे हैं तो ये लेटर साइज़ है, इसको सिंपली हम A4 पे क्लिक करके A4 कर सकते हैं, और उसके बाद इस पर हम जो भी अपना काम करना चाहते हैं वो हम काम इस पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद चलिए मैं आपको आगे एक्सेल को ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमने एक्सेल टाइप किया, एक्सेल आने के बाद सिंपली इस पर एंटर मारेंगे। एंटर करने के बाद ये भी यहाँ हमारा एक्सेल सीट है जो ओपन हो चुकी है, इस पर हम अपना जो भी काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और सिंपली फाइल को सेव कर कंट्रोल एस करके फाइल को सेव भी कर सकते हैं जहाँ पे हमें फाइल सेव करनी है। तो ये भी हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब इसको भी हम हटा देते हैं। उसके बाद हमें पावर पॉइंट की ज़रूरत है तो हम पावर पॉइंट ओपन करके आपको दिखा देते हैं। मैं सिंपली यहाँ पावर अकेला टाइप करूँगा तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 ऊपर ही आ जाएगा। सिंपली हमें इस पर एंटर मार देना है। एंटर करने के बाद ये भी ये यहाँ पे ओपन हो गया है। तो ये तीनों सॉफ्टवेयर हैं वो हमारे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। अगर आपको
और भी अदर सॉफ्टवेयर्स हैं इसी के, जैसे कि एक्सेस है जो हमने इंस्टॉल नहीं किया है, एमएस एक्सेस, और आउटलुक है, और दो तीन सॉफ्टवेयर जो हमने यहाँ से डिसेबल किए थे। अगर आपको उनकी भी नीड होती है तो आपको इसको दोबारा अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको ये इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको इसका सेटअप नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं सेटअप भी इसका जल्दी आपको अवेलेबल करा दूंगा। और सेटअप होगा तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर या कुछ भी है इससे मेल आईडी सेंड कर देना, तो मैं जब भी रीड करूँगा तो आपको ये सेटअप उसी पे आपको भेज दूँगा। थोड़ा टाइम लगेगा, सेटअप थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।